बॉडी प्लॉट हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं? बॉडी प्लॉट हम लोग कभी भी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो बॉडी प्लॉट क्या होता है? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड प्लॉट। And second one is phase plot. Body plot में हम लोग कभी भी दो चीज़ों को draw करते हैं body plot पे, magnitude plot और phase plot। हम लोग ये दो चीज़ निकाल के उसके बाद हम लोग सेमी लॉक पेपर का यूज़ करके हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग अब इसके बाद देखेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एम इज इक्वल टू 20 log 10 जी जेड डब्ल्यू एच जेड डब्ल्यू। हम लोग के पास फेस प्लॉट का ही फॉर्मूला है, हम लोग आगे देखते हैं हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं सम्स। तो हम लोग का सम क्या है? फॉर द सिस्टम having the open loop transfer function g of s h of s is equal to 10 upon s s plus 1 s plus 10. Determine the stability of the system by plotting the body plot of the system. तो हम लोग इसको सबसे पहले ये इक्वेशन को देखेंगे, g of s h of s equal to 10 upon s s plus 1 s plus 10। इसके थ्रू हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग सेमी लॉग पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 1 plus s का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 अपॉन s, यहाँ पे ऑलरेडी 1 plus s है, यहाँ पे देखिए s plus 10, तो यानी कि 1 plus s होना चाहिए। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1 plus s by 10 into 10, यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 गेट कैंसिल ओवर हियर, तो 1 upon s upon 10, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा, पुट क्या करेंगे s इज इक्वल टू j ओमेगा। तो g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन, जहाँ पे भी s रहेगा हम लोग वहाँ पे j ओमेगा पुट कर देंगे, 1 plus j omega by 10। तो ये हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ये बहुत ही ईजी है, हम लोग को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोग ने s इज इक्वल टू j ओमेगा पुट किया, उसके बाद हम लोग को k फाइंड करना है। k, तो k हम लोग का क्या होगा? तो कांस्टेंट कभी भी हमारा न्यूमरेटर में जो भी टर्म रहेगा वो रहता है। तो कांस्टेंट हमारा क्या है? वहाँ 1 है इक्वल टू 10, तो जहाँ यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 था, उसके बाद कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1 upon वाला टर्म हम लोग लेते हैं, और हम लोग ने सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का 1 upon 10 यानी कि हम लोग डिनोमिनेटर लेते हैं। उसके हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू 20 log 10 के, 20 log 10, k का वैल्यू क्या है? 10 है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20 log 10 10 10 1, हम लोग जानते हैं कैलसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे m इज इक्वल टू। तो हमारा क्या है? m का वैल्यू 20 dB/m, हमारा क्या है? m मैग्नीट्यूड।
इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे फेज और मैग्नीट्यूड टेबल। एम इज इक्वल टू 20 dB। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे टेबल मैग्नीट्यूड प्लॉट, टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो उसके हम लोग टेबल टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट, सीरियल नंबर, फैक्टर, रिजल्टेंट स्लोप, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग का हमारा फैक्टर कौन सा था, 1/g ओमेगा। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग का क्या था, 1/g ओमेगा, वो कितना था, 20 dB पर डिकेड। अपन कभी 0.1 से स्टार्ट करते हैं और एंड इन्फिनिटी पे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग 0.1 से स्टार्ट करेंगे। उसका एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, कॉर्न फ्रिक्वेंसी 1, तो 1 हमारा मेन पॉइंट ये होगा। तो हमारा सेकेंड फैक्टर क्या था, 1/j होगा और 1+j ओमेगा, 1+j ओमेगा। तो इसके लिए कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, माइनस ट्वेंटी था, तो हमारा क्या होगा, एक और फैक्टर आया तो -20। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो डिनोमिनेटर पे कभी भी आएगा तो हम लोग को कभी 20 dB डिकेड लेना है। अगर हमारा न्यूमिरेटर में होता तो हम लोग को +20 dB पर डिकेड लेना होता। तो हमारा डिनोमिनेटर में है तो -20 dB, अगर हमारा इसका क्या होगा, -40 dB पर डिकेड, इसका क्या होगा, -60, यानी कि -20 ऐड होती जा रहा है डिनोमिनेटर में। और अगर न्यूमिरेटर में होता है तो हम लोग को +20 लेना होता, फिर ऐसे +20 ऐड करते जाता करते रहते। तो क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग को क्या करना है, -20 लेना है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या लिया, -20। अब हम लोग इसके लिए भी -20 लेंगे, -20 -40 dB पर डिके। इसका क्या है, जो हमारा इसका एंड पॉइंट रहेगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा कॉर्न फ्रिक्वेंसी 1, और हमारा दूसरा क्या है, 10। तो हम लोग यहाँ 10 ले लेंगे। हमारा थर्ड क्या दिया है, 1+g ओमेगा 110। मैंने बताया था कि ये क्या है, डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम लोग वैसे -20 और ये -20, तो क्या होगा, -60 dB पर डिकेड। बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि -20 कहाँ से हो रहा है, तो इसका यही लॉजिक है, अगर हमारा न्यूमिरेटर में होता तो हमारा प्लस ऐड होता, लेकिन हमारा ये डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस में। तो इसका क्या होगा, इसका भी वही एंड पॉइंट लेंगे हम लोग, और हमारे पास इसके बाद कोई कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो डायरेक्टली इन्फिनिटी। तो ये हमारा हो गया टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट। इसके बाद हम लोग देखेंगे फेज प्लॉट। तो गाइस, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा 1+j ओमेगा 1+j ओमेगा 1+j ओमेगा बाय 10। हमारा क्या है, फेज प्लॉट अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। कभी भी ये फॉर्मूला हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फेज प्लॉट और मैग्नीट्यूड प्लॉट के टेबल को बनाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले फाई निकालते हैं, फाई यहाँ पे फेज प्लॉट में हम लोग फाई निकालना पड़ता है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे, 1/j ओमेगा का हम लोग कोई भी एंगल ले लेते हैं, एंगल 90 डिग्री लेते हैं इसके लिए पॉजिटिव, तो 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। अगर हमारा न्यूमरेटर में होता हम लोग इसको पॉजिटिव में लेते, क्योंकि हमारा जे ओमेगा अगर डिनोमिनेटर में है तो हम लोग माइनस लेंगे, -90। फिर उसके बाद हम लोग सब ऐड करते जाएंगे, प्लस 1+j ओमेगा, ये भी क्या हमारा डिनोमिनेटर में है तो हम लोग इसको फिर से माइनस करेंगे, -j ओमेगा v/a, यानी कि इसका फैक्टर क्या है, 1/1। फिर ये भी क्या है, डिनोमिनेटर में है, प्लस हम लोग सब में प्लस करते जाते हैं, लेकिन ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम लोग -tan-1 हो, मैंने क्या बोला इसका, ये b/a, ये b है b और ये a, तो b क्या है, 1/w/10/a1, यानी कि या वो ओमेगा बाय 10।
तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 90 प्लस माइनस टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 10 क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा, फिर 1 अपॉन जे ओमेगा, फिर ये हम लोग फैक्टर ले लेंगे। जे ओमेगा क्या है, 1 अपॉन जे ओमेगा, ये 90 डिग्री, फिर ये लेंगे माइनस टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय टैन 5 ओमेगा। हम लोग ने एक एक्स्ट्रा टेबल बना लिया है, तो हम लोग देखेंगे ओमेगा 1 अपॉन जे ओमेगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस टैन इनवर्स ओमेगा बैठेंगे और हम लोग 5 ओमेगा जो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ओमेगा के लिए कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 0.1, हम लोग इसमें 110 था, तो हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यूज भी लेते हैं, तो 1, 5, 10 जो हमारे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आए रहते हैं हम लोग उसका वैल्यू भी लेते हैं, 0.1, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। जो ओमेगा के लिए हम लोगों ने 90 डिग्री लिया है तो सबके लिए माइनस 90 डिग्री सबके लिए माइनस 90 डिग्री अब हम लोग निकालेंगे माइनस टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो हम लोग कैल्शियम निकालते हैं, कैल्शियम में माइनस टैन इनवर्स ऑफ 0.1 फाइव माइनस 5.71 माइनस 5.71। उसी तरह हम लोग इसका भी एक फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं, 0.1 अपॉन 10, तो 0.1 अपॉन 10 माइनस 0.57। हम लोग ऐसे ही हम लोग सब निकालते जाएंगे, इसका हमारा माइनस 5 पॉइंट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ले मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, -84.28 निकालते जाइए, -5.71 -45 -78.6 -84.28 -88.8 -89.4 -89.8 -89.94 और इसमें क्या है -0.57 -5 -2.86 -45 -78.6 -84.90 -95.57 -140 और -171.46 एंड -219.28 -257.4 -263.68 -268.6 -269.31। मैंने इसलिए बोला कि कभी कभी कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चल जाएगा, हो जाता है तो हम डायरेक्टली वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा बॉडी प्लॉट है, ये सेमी लॉक पेपर है जहाँ पे हम लोग बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ये इसके लिए ये हमारा मैग्नीट्यूड है और एक हम लोग फेस भी इस पर ड्रॉ करते हैं। तो ये टेबल ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0.1, 1, 10, 100, 1000 और ये क्या होगा 10,000। तो क्या होगा 10,000 तक, 0.1, 1, 10, 100 मैग्नीट्यूड डीबी इसका हम लोग ने ले लिया है 20, 40, 60, 0 और -2, 20 और -40। हम लोग इसको एक ओरिजिन कंसीडर किया है, -20, -20, -40 ये कभी भी क्या होता है -20 dB/dK, ये -20 dB/dK, ये हमारा -40 हो जाएगा, ये -60। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल में जो हमको गिवन रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है, हमारा एम क्या है, 20 log है, 20 dB है और मैग्नीट्यूड प्लॉट में देखेंगे
तो 1/j ओमेगा माइनस 20 dB/s, स्टार्टिंग पॉइंट 0.1 और एंड पॉइंट 1। तो सबसे पहले हमारा क्या 20 dBm, तो m हम लोग को कभी स्ट्रेट लाइन लेना है, 20 dBm = 20 dB। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम देखेंगे हमारा फैक्टर, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 1/j ओमेगा माइनस 20 dB, 0.121 माइनस 40, 1+j ओमेगा माइनस 40 dB/s, 1 to 10 और माइनस 20 माइनस 60 dB/s, 10 to infinity। तो हम लोग ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माइनस 20 dB/s, 0.121। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइनस 20 dB से 0.1। तो हमारे क्या 0.1 यहाँ है और यहाँ 1 है, तो हम लोग 0 पर भी कभी भी एक लाइन खींचते रहे। स्ट्रेट लाइन लेना है, सॉरी क्या होगा, 0 पर भी हम लोग ने एक लाइन लिया। तो हमारे स्टार्ट कहाँ से, माइनस 20 dB का पैरेलल लाइन ये है, तो उसके पैरेलल लाइन के हम लोग लेंगे 0.1 से 1। तो हमारा ऑलरेडी ड्रॉन किया है, हम लोग ने रेफरेंस लिया है सब, तो हमारा ये 0.1 से 1, ये हमारा फर्स्ट लाइन क्रिएट हो गया है। तो अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, माइनस 40 dB, 1 to 10। तो हमारा 1 यहाँ, माइनस 40 dB और 1 to 10 माइनस, हम लोग इसको पैरेलल रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस 40 to 10 हम लोग 10 तक ड्रॉ करेंगे। हम लोग सेकेंड लाइन 40 के पैरेलल में करेंगे, ना कि 20 के। हम लोग फर्स्ट वाला क्या 40 to 10 हम लोग रूलर का यूज़ करेंगे, हम लोगों ने यहाँ तक तोड़ दिया। हम लोग क्या करेंगे इसको इसको माइनस 40 के पैरेलल लिया, तो माइनस 40 dB पर डिगेन, यानी कि 1 to 10 पैरेलल। माइनस 60 थर्ड वाले लाइन के लिए, जो हमारा थर्ड लाइन है उसके लिए हम लोग इसके पैरेलल लेंगे 60 के पैरेलल में। ये क्या है 10 to infinity, तो इसके पैरेलल में हम लोग लेंगे, इसके पैरेलल लिए और यहाँ पे इसका पैरेलल लेंगे। पैरेलल हमारे पास रोलर नहीं है, इसलिए हम लोग स्केल के थ्रू कर रहे हैं। ये इन्फिनिटी है, 10 to लेके हमारा इन्फिनिटी जा रहा है। ये हमारा क्या WC1 है, ये हमारा WC2 है, ये 10। WC1 क्या है, 1 और 10 है, ये क्या है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के लिए निकाल दिया। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये हो गया हमारा फेज प्लॉट, हम लोग ड्रॉ करेंगे फेज। अब हम लोग देखेंगे फेज प्लॉट में हमारा क्या था इक्वेशन, माइनस 95.5, माइनस 140, सॉरी ये 140, माइनस 71, ये हम लोग को ड्रॉ करेंगे। सिंपली हम लोग जानते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। माइनस 40 हम लोग ने लिया है, सबसे पहले 0.1 पे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग 0.1 पे हमारा क्या था माइनस 95.57, 1 पे माइनस 40, 5 पे 171। तो हम लोग मैं बता देता हूँ कैसा, 0.1 पे हम लोग ने क्या लिया माइनस 19, 0.1 पे हम लोग ने क्या लिया माइनस 19 और 1 पे हम लोग ने क्या लिया है माइनस 140। हम लोग ने यहाँ 140 120 है, तो हम लोग 140 लिए। फिर ऐसे हम लोग को 5 पे लेना है, 5 पे हम लोग ने 140, ऐसे हम लोग को 5 पे लिया 171, फिर 10 पे 290 पे हम लोग ने लिया, 50 पे हम लोग ने लिया, फिफ्थ लाइन पे क्या लिया हम लोग ने माइनस 257.54 और उसी तरह हम लोग ने 100 पे लिया, 100 ये था तो माइनस 263, फिर 500 पे यानी कि 100, 200, 300, 400, 500 पे हम लोग ने लिया, 200 है, 300, 400, 500 पे हम लोग ने क्या लिया माइनस 268, फिर हम लोग ने यहाँ पे लास्ट 1000 पे हम लोग ने यहाँ माइनस 269.36, ये हम लोग ने इजीली ले लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको लाइन को लेके एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, देखते क्या है।
ये तीनों लाइन स्ट्रेट दिख रही है तो हम लोग स्ट्रेट प्रॉपर दिए हैं। फिर ये देखिए, फिर ये लोग फ्री हैंड डायग्राम बना दिया है। 180 पे हम लोगों को क्या करना है, ये सब माइनस में है। 180 पे हम लोगों को क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ कर दिया, ये हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट है, फेस प्लॉट हो गया, ये इतना ही है बस। और इसमें हम लोग को दो चीज और, गेन मार्जिन और कभी कभी फेस मार्जिन भी पूछा जाता है। तो गेन मार्जिन के लिए हम लोगों को क्या करना है, कोई भी लाइन अगर जीरो को जो कट करती है, जीरो को जो कट करती है, उसके पैरल उसके एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। स्ट्रेट लाइन एक ले लो जहाँ पे अगर हमारा जीरो को कट हुआ है मैग्नीट्यूड प्लॉट, उसके उसका यूज करके हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन यूज कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे जो 180 को लाइन कट की रहेगी उसको स्ट्रेट लाइन ले लो। दोनों के सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला जो मैग्नीट्यूड प्लॉट में जीरो को लाइन जो पॉइंट कट कर रही है उसके स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो 180 को कट कर रहा रहेगा उसको स्ट्रेट लाइन। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रहता है वो गेन मार्जिन हो जाता है GM, और जो यहाँ पे हमारा ये कट किया रहता है वो हमारा यहाँ पे फेज मार्जिन हो जाता है। ये ही बहुत ईजी है, फेज मार्जिन। ये क्या होगा, गेन मार्जिन, गेन मार्जिन। मैंने क्या बताया, जो जीरो कट कर रही है उसकी स्ट्रेट लाइन, 180 को कट की स्ट्रेट लाइन। अब हमारा क्या है, इसके स्ट्रेट, ये जो गेन मार्जिन और ये फेज मार्जिन, अपोजिट, गेन मार्जिन फेज मार्जिन। फेज तो फेज ये साइड में, तो फेज मार्जिन 180 को कट किया है। अब हम लोग ये जो रहता है वो हमारा फेज मार्जिन, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा ऑलमोस्ट एक लाइन क्या है, 30 का है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, और वन इसमें कितने 5 हैं, 9 30 कि हमारा इस यहाँ पे क्या 5 लाइन है, तो यानी कि यहाँ पर क्या कितने का डिफरेंस है, 30 का। तो हमारा एक लाइन क्या होगा, 90 माइनस 120, 30 का डिफरेंस, यानी कि वन लाइन 6 का होगा। हमारे पास यहाँ पे 7 लाइन आई है, तो 6 × 7 यानी कि 42 हमारा क्या हो गया, फेज मार्जिन। और गेन मार्जिन के लिए भी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, गेन मार्जिन हमारा क्या आएगा, 0 to -20, यहाँ हमारे पास कितना मिला, 8 लाइंस मिले, तो यहाँ पे क्या होगा, 32 dB dB per decade, यानी कि फेज मार्जिन 42 और यहाँ पे 32। यहाँ पे एक लाइन हमारा क्या 4 का था, यानी कि 24 बाय, यहाँ पे 4 का हमारे पास एक लाइन था, हमारे पास 8 लाइंस मिले थे 32, और यहाँ पे 7 लाइन, यानी कि 1 कितना था, 6 का लाइन था, तो 6 × 7 = 42 और यहाँ पे 32। तो यहाँ ऐसे कि थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।